अब हमारे अवेंजर्स निकल चुके होते हैं अपनी अर्थ को बचाने के लिए, इसीलिए सभी अवेंजर्स ट्रैक कर रहे होते हैं लोकेशन एनिमीज की। तभी हमारा होकाय एक मिनट की गोली देता है हल्क को। तभी आयरन मैन पूछता है क्या हुआ होकाय तुम्हें। तभी होकाय कहता है कि मुझे हल्क की बदबूदार सांसों से दम घुट रहा है मेरा। तभी हल्क उठा के शिप के बाहर फेंकना शुरू कर देता है होकाय को। तभी वहां से कहीं से आवाज आती है कि अरे तूने हमारा काम आसान कर दिया। सीधा मिसाइल लॉन्च हो जाती है और हमारा थॉर उसे मिसाइल को रोकने के लिए आगे आ जाता है। इसके बाद हमारा थॉर अपना एक हथौड़ा मारकर मिसाइल को दो हिस्सों में तोड़ देता है। होकाय भी अपनी शूटिंग से एक मिसाइल को तोड़ देता है, जिसके बाद सभी एवेंजर्स आपस में एक दूसरे को बचाना शुरू कर देते हैं। पर तभी थॉर देख रहा होता है और उसके ध्यान नहीं होता है कि तभी उसके मिसाइल लग जाती है। इसके बाद एनिमीज आयरन मैन को निशाना बनाते हैं, जिसके बाद सभी वो शिप्स के ऊपर मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं। उसके बाद हमारा आयरन मैन कैसे न कैसे करके बचाता हुआ निकल जाता है और ब्लास्ट कर देता है सभी रॉकेट्स को। जिसके बाद आयरन मैन अपना सोच रहा होता है अपने शिप के अंदर, तभी उसे एक कॉल आता है और वो देखता है कि सामने मोडॉक कहता है कि आयरन मैन तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ आयरन मैन। जिसके बाद मोडॉक सुपर सोनिक अटैक कर देता है और उनकी ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद आयरन मैन कहता है कि प्लान चेंज हो चुका है, सभी एवेंजर्स कूद जाओ शिप से क्योंकि शिप थोड़ी देर में फटने वाली है। तभी शिप फट जाती है। जिसके बाद आयरन मैन कहता है कि मोडॉक ने अपनी हदें और अपनी ताकत को कुछ ज्यादा ही बढ़ा लिया। आयरन मैन कहता है कि काफी बुरी बात है। इसके बाद होकाय कहता है कि हल्क तुम अपना माउथ फ्रेशनर भूल जाओ और हम सीधा फाइट करने जा रहे हैं, बिना साबुन के धुलाई करेंगे उन सामने वालों की। हल्क कहता है मैं तुम्हें फेंक दूंगा। जिसके बाद हल्क होकाय को गिरा देता है। जिसके बाद होकाय देखता है अपना चश्मा संभालता है। उसके बाद हमारा थॉर भी पहुंच जाता है वहां पर। उसके बाद थॉर आयरन मैन से पूछता है कि थॉर प्लान क्या है जल्दी बताओ। तभी हमारा आयरन मैन कहता है कि प्लान ये है कि हर एक चीज को तुम ब्लास्ट कर दो जहां भी है यहां पर। उसके बाद होकाय कहता है कि प्लान ये है कि प्लान कुछ भी नहीं है। फिर हल्क कहता है कि प्लान काफी अच्छा है। उसके बाद रेड स्कल अपने आर्मी को भेज देता है। तभी आयरन मैन अपनी सारी मिसाइल्स को लॉन्च कर देता है और उसकी आर्मी को ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद होकाय भी अपनी शूटिंग स्किल से सभी को मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद थॉर भी अपने हैमर से सभी एनिमीज को मारना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद हल्क भी पीछे से आ जाता है जो कि थॉर और होकाय को गिरा देता है। उसके बाद थॉर कहता है कि हम दोनों शर्त लगाते हैं कि कौन ज्यादा एनिमीज को किल करता है। तभी होकाय भी कहता है चलो ठीक है, पर हल्क कहता है कि तुम हमारी गेम में नहीं हो। तभी उसे उठाकर फेंक देता है। होकाय भी एनिमीज के ग्रुप के पास पहुंच जाता है। इसके बाद होकाय कहता है कि मैं उनके साथ नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। तभी होकाय को और सभी एवेंजर्स को देख रहा होता है बिनोकुलर्स के साथ। तभी हमें ब्लैक विडो दिखाई देती है। उसके बाद आयरन मैन भी पहुंच जाता है अपनी टीम के पास। तभी वहां पे शूटिंग होना शुरू हो जाती है बहुत खतरनाक वाली, जिसके कारण आयरन मैन भी गिर जाता है और होकाय भी। इसके बाद होकाय कहता है आयरन मैन तुम्हारे खाली भेजे के अंदर कोई आइडिया आया है। आयरन मैन कहता है कि तुम भरोसा रखो हम जीत जाएंगे। तभी वहां पे सोनिक वेव्स आ जाती हैं और आयरन मैन को फिर से पकड़। मोडॉक कहता है कि अभी हमने कैप्टन अमेरिका को खत्म किया था, अभी तुम्हें भी हम खत्म कर देंगे आयरन मैन। इतना कहने के बाद कहता है तुम्हें शांति नहीं हुई अभी तक, एक अवेंजर खत्म हो चुका है। सामने फ्लैश ग्रेनेड दिखाई देते हैं, जिसके बाद मोडॉक की आंखों में खुजली होना शुरू हो जाती है। तभी आयरन मैन भी छूट जाता है मोडॉक के जाल से। मैन कहता है कि अब तुम आई हो ब्लैक विडो। जिसके बाद ब्लैक विडो कहती है मैं तो तुम्हें बस ये देख रही थी कि तुम्हें कब मेरी जरूरत पड़ेगी और मैं कब तुम्हें आके बचाऊं। जिसके बाद मोडॉक कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा और वो वहां से अपनी आर्मी को लेकर भाग जाता है, टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद ब्लैक विडो पूछती है क्या ये कैप्टन के बारे में सच बोल रहा था। तभी सभी एवेंजर्स कहते हैं हाँ ब्लैक विडो की कैप्टन अमेरिका सच में नहीं रहा। जिसके बाद ब्लैक विडो कहती है कि तुम अकेले क्यों लड़ रहे हो, सभी एवेंजर्स को मिला के हम साथ में लड़ते हैं ना, वरना तुम और भी हमारे साथियों को खो बैठोगे। कैप्टन कहता है कि अब मैं अपने एनिमीज को ट्रैक कैसे करूंगा। ब्लैक विडो कहती है कि उसके खून के अंदर ट्रेस ऐसा स्टॉप है जिसके कारण हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद होकाय कहता है क्या बात है। तभी वंडा कहती है कि इतनी सी तारीफ बस। उसके बाद आयरन मैन स्कैन करना शुरू कर देता है। तभी आयरन मैन को दो आइसोट्रॉप्स मिल जाते हैं और उसे स्कैन कर लेता है। उसके बाद वो आइसोट्रॉप को लेना चला जाता है, जिसके बाद बाकी एवेंजर्स भी उस टीम भी उसके पीछे पीछे आना शुरू हो जाती है। पर उन्हें पता नहीं होता कि वहां पे ट्रैप है, इसलिए वो फंस जाते हैं ट्रैप के अंदर। तभी हल्क होकाय और वांडा को उठा लेता है और एक सेफ जगह पे छुपा देता है।